तुम्हारे हमारे में ये कोई गलत नहीं, ये यहाँ लगा हिंदू मुस्लिम, ये अपुन नहीं, अपुन काटो वाला ये कौन, सब है कि नहीं? आता आम्ही है हिजाब बुरखा घालतोय, तुम्ही इथे लोकांना बघता तर आपल्याला काय आपत्ती होतं का? नाही, काहीच नाही. अपना देश बहुत 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 अच्छा है, ये देश की जैसा देश नहीं है, यहाँ पे बहुत शांति है और ये शांति हमेशा के लिए बरकरार करो. अभी कोरोना की वजह से हम मराठी लोग भी बांध यूज कर रहे हैं ना अभी इसको, तो तुम तो पहले से यूज करते है ना, तो आप एक मजहब को टारगेट बना रहे बार बार. सबको अपने अपने मजहब में आजादी है, जैसा रहो वैसा. इतनी खुशी हो रही वो लेडीज की वीडियो देख के कि एक लेडीज उतने पूरे गैर मुस्लिम लड़कों पे भारी और उसने जो नारा लगी अल्लाह अकबर, ऐसा दिल से खुशी हुई लेडीज के लिए. सलाम वो लेडीज का हमारी तरफ से. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत जहां. मैं फातिमा शेख. नाजरीन आप देख रहे हैं नुक्कड़ चाय. हर नुक्कड़ पे आज एक ही बात की जा रही है और वो है हिजाब के ताल्लुक से. क्या मुस्लिम खवातीन पे हिजाब जबरदस्ती लादा गया है? क्या हिजाब पहनने के बाद उन्हें अपने जिंदगी के काम करने, एजुकेशन हासिल करने या कोई जॉब करने में कोई दुश्वारी या मुश्किलात पेश आती है? या हिजाब जरूरी नहीं है? हिजाब क्यों पहना जाता है और वो पहनने के बाद क्या महसूस करती हैं? आइए लोगों के जरिए से जानते हैं वो हिजाब के ताल्लुक से क्या ख्याल रखती हैं. चलिए. आप जो हिजाब का इस्तेमाल कर रही है कब से कर रही है? बचपने से, जब से समझ आई, जब से समझ आई, जब से माशाल्लाह से हिजाब पहनते हैं. आपने आप पर किसी ने जबरदस्ती किया था या अम्मी अबू ने बोला था कि नहीं बिल्कुल हिजाब पहनना ही है आपको? नहीं, ये हमारे माँ ने, हजरत फातिमा ने हमको पहले से उनके हदीसा पढ़ के उससे ही समझ में आया कि हिजाब पहनना चाहिए. आपकी मर्जी से आपने पहना है? हाँ, हम हमारी मर्जी से हिजाब पहनते हैं, हमारे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं. कभी इतने सालों से आपको कोई एक भी परेशानी हुई हिजाब पहनने से? नहीं, और अच्छा सेफ्टी रहता, पर्दा रहता, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं हुई. अस्सलाम वालेकुम. सिर्फ ये पूछना था कि आप जो हिजाब इस्तेमाल करती है तो अपनी खुशी से करती है? खुशी से करती है. आपको कोई परेशानी हुई है कभी हिजाब इस्तेमाल करने में? नहीं. अब ये जो हिजाब का मसला चल रहा है कि ये बताया जा रहा है कि हिजाब एक जबरदस्ती का है, प्रेशर है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या कहना है आपका? हम कोशिश कर रहे हैं हिजाब की आज़ादी होना चाहिए इस्तेमाल करने. आज़ादी होना चाहिए. आप जो हिजाब पहन रही है तो उससे क्या आपको परेशानी होती है? जी नहीं, कुछ प्रॉब्लम. कब से हिजाब इस्तेमाल कर रही है? बहुत सालों से. तो आज तक आपको कोई मसला पेश आया? जी नहीं, कुछ नहीं. आपको हिजाब पहनने के लिए किसी ने मजबूर किया था? जी नहीं, कोई नहीं, हम अपनी मर्जी इस्लाम के तरीके से पहनते हैं. आपने खुशी से पहनती? जी हाँ, खुशी से पहनते, किसकी रोक टोक नहीं हमें. हम अपने हिजाब इसलिए करते कि अपने पर्दे के लिए. क्या फायदे आपको दिखते हैं इससे पहनने से? बहुत अच्छा लगता है हमें हिजाब पहनने से, अपने इस्लाम जो बताता है पर्दा करने के लिए उस तरीके से पहनते हैं. बताइए. हम नकाब पहनकर एकदम सेफ महसूस करते हैं. हाँ, मैं मतलब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका, जब तक मैंने जब से 12 चालू था जब से मैंने नकाब मतलब सेफ्टी महसूस करती हूँ मैं नकाब पहन. इसमें कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं नहीं. आपके आपके घर वालों की तरफ से किसी की तरफ से नहीं? नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. नहीं नहीं नहीं, ऐसी सेफ्टी रहती है हमारी तो हम हिजाब लगा के ही जाएंगे. गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ रूल पास हो जाता है जिसके जो है वो हमारे बुरखे के खिलाफ जो होता है, तो आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम बगैर हिजाब के कहीं भी नहीं जाएंगे. हम कितने भी ये हो जाए, हम बगैर हिजाब के नहीं जाएंगे. वहाँ की लड़कियों को स्कूल में आने देना चाहिए हिजाब के साथ? हिजाब के साथ आने देना चाहिए उनको. वहाँ क्या, कहीं भी कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, कहीं भी बगैर हिजाब के नहीं जा सकते, हिजाब के जाएंगे. मुस्कान जो कर्नाटक में जो बच्ची थी उसने किस तरह से जो सबके सामने एक बहुत बहादुरी का जो है मिसाल पेश की, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? नहीं, बहुत बहादुरी से किया उन्होंने, बहुत अच्छे से किया उन्होंने. मैं उनके उनकी बातों से सहमत हूँ उनके. हाँ जी, उनको सलाम है हमारा. मैं वो मुस्कान के लिए हमारा सलाम है. वो लड़की बहुत बहादुर है और बहुत हिम्मत वाली लड़की है. वो इतने लड़कों के बीच उसने आवाज उठाई, वो बहुत बहादुर है वो लड़की. अगर इस तरह की कोई वाकया यहाँ पर हो तो आप भी मैदान में आएंगे? जरूर आएंगे. बेशक. आप जो हिजाब पहन रही है तो उसके बारे में पूछना था कि आप जो बुरखा और हिजाब पहनती है तो कोई जबरदस्ती होती है? नहीं, कोई भी नहीं. अच्छा, आपको हिजाब पहनने से कोई तकलीफ हुई है कभी? नहीं, कभी कोई भी तकलीफ नहीं. आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? ग्रेजुएशन कम्प्लीट. तो आपने बुरखे में ही ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया? हाँ जी, बुरखे में. तो आपको कभी एक भी बार ऐसा लगा कि नहीं मुझे हिजाब नहीं पहनना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा. मैम सिर्फ हिजाब के बारे में पूछना था. आप क्या बुरखा खरीदने आई हैं? जी जी. कब से बुरखा पहन रही हैं आप? कब से पहन रही हूँ?
बहुत दिनों से। तो कभी आप पे ऐसे हुआ कि जबरदस्ती आपको कैसे बुर्का आपने पहना था और कोई प्रेशर था जबरदस्ती? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस्लाम में जो है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि भाई पर्दा करना है, बस हम पर्दा करते हैं और हमको कोई इसमें पाबंदी नहीं नज़र आती। पर्दा करके भी हम जो है तो तरक्की कर सकते हैं, तो कोई रुकावट नहीं है और हमारा माहौल है और पर्दा हमारा हक है और जो अभी चल रहा है तो ऐसा भी हमसे पर्दे का कोई हक छीन नहीं सकता। अभी जो बात की जा रही है कि एक मुस्लिम है तो आपकी आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, मतलब आप बाहर निकले आपको एजुकेशन हासिल करना है तो आप हेड कवर भी नहीं करें, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा कुछ हमारी तरफ ऐसी कोई बात आती है तो हम सब आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह, इसके खिलाफ काम करेंगे, बिल्कुल मुखालिफत करेंगे जी, बिल्कुल मुखालिफत करेंगे। शुक्रिया। आप क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हूं। कौन सी क्लास में? 8th क्लास। तो आप ये जो बुर्का और हिजाब पहनती है तो अम्मी की तरफ से या अब्बू की तरफ से कोई प्रेशर है? नो, ये मेरा खुद का है। तो आप कैसा महसूस करती है हिजाब पहन के? एकदम कंफर्टेबल। और आपको कोई परेशानी होती है बाहर या एजुकेशन हासिल करने में? नो नो। अगर आपसे कहा जाए कि कभी आपको नहीं कवर करना है तो आप पढ़ाई करें तो क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि ये हिजाब हमारा बुनियादी हक है, किसी को हक नहीं है कि आपको ये समझाए कि आप क्या पहने हो। बिल्कुल नहीं, हम मोबाइल को उसकी हिफाजत करने के लिए जब कवर लगाते हैं तो हम हमारी हिफाजत करने के लिए हिजाब पहन सकते हैं ना, इसमें हमें कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी तरह से जबरदस्ती भी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं किसी। आप क्या कहना चाहेंगी और पब्लिक से कि वो क्या हिजाब के हक में क्या कहें? अभी जो माहौल चल रहा है कर्नाटक में जो किया जा रहा है उस बारे में आपका क्या राय है? मेरी ये राय है कि अगर हमें इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं अपने हिजाब के लिए, हम बिल्कुल अपना हिजाब नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बताए वो तरीका है अपने इस्लाम में बुर्का पहनना जायज़ है तो अपने को पहनना ज़रूरी है, ये अपने हिफाजत के वास्ते में है। कितने साल से आप हिजाब पहनती हैं? मैं तो जब से 12-13 साल से थी जब से पहन रही हूँ। आपको कोई तकलीफ परेशानी? नहीं कोई बात नहीं है, उससे गर्मी सर्दी में अच्छे से रहते हैं। नहीं नहीं अपनी सेफ्टी के वास्ते में अपने इस्लाम में लिखे अपने को पहनना जरूरी है। इस्लाम में है और जरूरी भी है, आप पहनती है, लेकिन कोई पहनने से आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं कोई तकलीफ नहीं है। और कभी किसी ने जबरदस्ती किया है? आप अपनी मर्जी से? नहीं मैं अपनी मर्जी से पहनती हूँ, आपकी खुशी से। हाँ अभी जो माहौल हो रहा है हिजाब के ताल्लुक से तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत गलत है ये अपने को पहनना जरूरी है, अपन क्यों लोगों का सुनेंगे, अपना जो है अपन वो करेंगे ना, अपना जो अपने लिए जो सेफ्टी है अपन वही करेंगे, और ऐसा कुछ होता है तो अपन माँ बहने बाहर निकलेंगे रोड पर, क्यों उनका सुनेंगे अपन? अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई फैसला लेकर आती है तो क्या रोड पे निकलेंगे? अपन नहीं बोलेंगे, अपने अपने माशरे के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते, उनका मुल्क के हिसाब से चलो ना आप, संविधान के हिसाब से चलो ना आप, एक मजहब को टारगेट बना रहे बार बार, वो मजहब को टारगेट बनाने के हिसाब से तो आप अपने बुरखे बंद कर रहे हैं ना। तो संविधान में आज़ादी है बुरखा पहनने का? अपने सबको अपने अपने मजहब में आज़ादी है, जैसा रहो वैसा, अपने इस्लाम में अपने को बुरखा पहनने का है तो अपन पहनेंगे। बिल्कुल सही, शुक्रिया। आप हेड कवर किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको एजुकेशन हासिल करना है तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, आप हेड कवर भी नहीं करना है, क्या कहेंगे आप? ये तो होना ही चाहिए, क्या पहन क्या नहीं पहनना चाहिए, और किसी के सर कवर करने से किस प्रॉब्लम होना तो नहीं। कैसा महसूस करती हैं आप ऐसे इसको आप पहनने के बाद? अच्छा महसूस करती, सेफ्टी महसूस करती, अच्छा महसूस करती। आप बहुत सालों से देख रहे होंगे बच्चियों को जो हिजाब पहनती हैं, तो आपके भी आप कब से पहनती हैं? बहुत दिनों से पहनते। आपको कोई तकलीफ हुई हिजाब नहीं, पहनने से? नहीं। अच्छा हिजाब पहनने के क्या फायदे हैं? बहुत कुछ फायदे हैं ना जी। हिजाब के तल्लुक से पूछना था, अभी जो बताया जा रहा है कॉलेजेस वगैरह में कि हेड स्कार्फ कवर भी नहीं करके आना है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हिजाब तो मुस्लिम लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक हिफाजती तौर पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो लड़कियों ने आवाज़ उठाई है वो बहुत ही बेहतरीन काम किया है उन्होंने, कि जब मुस्लिम लड़कियों ने ताकत हिम्मत तो दिखाई कम से कम। ये कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियों पे ज़बरदस्ती हिजाब थोपा गया है और वो खुशी, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पहनना चाहती लेकिन प्रेशर में पहनती है, तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे होते हैं? प्रेशर तो नहीं है, अब ये तो मतलब अपने में फ़र्ज़ है, और सारी लड़कियां खुशी से ही पहनती है, कोई थोपा नहीं गया है किसी के ऊपर, अब लगाने के लिए जो है कोई कुछ लड़कियां होती है जो नहीं चाहती पहनना, हाँ वो तो नहीं पहनती, उनके ऊपर तो प्रेशराइज अब पेरेंट्स कर सकते हैं और दूसरे कोई मतलब अगर कोई पहनना चाहे तो पहन सकता, नहीं पहनना चाहे तो नहीं पहन सकता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हिफाजती तौर पर नहीं, बिल्कुल नहीं, रिकावट ही कोई कुछ भी नहीं।
पहन के हम कहाँ भी जा सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस से कहाँ भी जा सकते हैं ऐसा, और मतलब अपने पहले अपने इस्लाम में फर्ज जायज़ है ना। अगर इस तरह का कोई कानून कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की बातें फैला रहे हैं तो आप क्या करेंगी? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ कि नकाब तो हमारा गहना है मतलब औरतों का, और ये इसको तो कोई हुकूमत भी छीन नहीं सकती ना, ये तो वो तो लड़कियों का वही एक हाँ हक है, कानूनी भी बोलो या फिर इस्लामी तौर पे बोलो, ये तो हक है, इसको तो कोई हुकूमत भी नहीं छीन सकती और कोई और भी नहीं छीन सकता। ये हिजाब पर ये कहा जा रहा है, हिजाब नहीं बल्कि आप हेड कवर भी करके मत आइए, इस तरह से मामला चल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि एक मरतबा का वाकया है कि मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और एक गैर मुस्लिम लेडीज़ मेरे बाजू बैठी हुई थी, तो उस लेडीज़ ने मेरे को कहा कि आप हिजाब क्यों पहनते, तो मैंने उनको एक मिसाल दी, एक कटा हुआ नींबू लो और एक साबित नींबू लो, कौन से नींबू को देख के आपको पानी आएगा, ये सफ़ेद वो कटा हुआ या बगैर कटा हुआ। इतना इम्प्रेस हुई मेरी बात से उन्होंने कि जिसके अपने आपने बिल्कुल सही कहा, बोले आपके मजहब का जो सेफ्टी है हिजाब है बहुत पसंद है मुझे ये चीज़। यानी हिंदुस्तान के सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम भी बहुत खुश होते, और गैर मुस्लिम को देखिए आप एक्टिवा पे जाओ, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, उन लोग भी आजकल कवर कर रही है चीज। हाँ तो इस तरह के अगर मामला आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगी? नहीं हम तो उन इतनी खुशी हो रही वो लेडीज की वीडियो देख के कि एक लेडीज उतते पूरे गैर मुस्लिम लड़कों पे भारी, और उसने जो नारा लगी अल्लाह अकबर, ऐसा दिल से खुशी हुई लेडीज के लिए, सलाम वो लेडीज का हमारी तरफ से। आप क्या कहेंगे अगर इस तरह का कोई मामला पेश आया? बिल्कुल उस लेडीज को देख के हमको भी हिम्मत आई, अगर कल को हमारे साथ भी ये वाकया हुआ तो बिल्कुल हम अकेले क्यों नहीं रहे, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ ये होना वो ना, हम बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे उन लोग का। आप क्या कहना चाहेंगे कि हिजाब पे बिल्कुल पाबंदी इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए और सबको आजादी होना चाहिए? अगर हिजाब पर पाबंदी हुई भी तो हम ये हमारा राइट नहीं छीनेंगे, हम बिल्कुल हिजाब करेंगे, चाहे कितना भी कोई भी हमारे सामने खड़े हो जाओ, गवर्नमेंट हमारे ऊपर अगर पाबंदी लगेंगे भी तो हम बिल्कुल हिजाब, बोलते ना माँ की गोद से तो गोड़ तक अपने को इल्म हासिल करना है, अब जिनको इल्म नहीं रहेगा तो वो तो ये सोचेंगे ना कि हिजाब जरूरी है, ऐसा फालतू यदि बोलेंगे पहनना, मगर हमको ये मालूम इसकी अहमियत क्या है हमारी नजरों में, नजर कोई डाल नहीं सकता। हाँ ऐसा है, ये हिजाब का ऐसा है बुड्ढे या जवान में फर्क नहीं दिखता कि बुड्ढा इंसान चल रहा है या ज़ईफ़ इंसान चल रहा है या जवान इंसान चल रहा है, इसमें सब फर्क महसूस नहीं होता। और इस्लाम में तो ये भी है कि ऐ मोमिन मर्द और औरत, कुरान शरीफ में है ये बात कि अपनी नज़रों को नीचे रखो, अपने इस्लाम में ये हुक्म है, तो गैर मुस्लिम के भी लिए वो अपने मर्द के लिए भी और औरत के भी लिए भी, दोनों के लिए बराबर हुक्म है कि अपनी नज़रें नीचे रखो। बस मेरे को तो बहुत अच्छा महसूस होता मैं कवर करी तो। हमारे साथ मंगला दूटे हैं, हम इनसे जानते हैं कि इन्हों क्या सोचती है कि हेड कवर करने में क्या प्रॉब्लम है या होनी चाहिए आज़ादी? देखो हेड कवर करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिसके उसके मजहब के हिसाब से जो रहता है, बस इतना ही मेरा ये है। किसी पे ज़बरदस्ती करना कि आप बिल्कुल इस तरह से मत हिजाब मत ओढ़िए या ये पहन कर मत, वो ऐसा नहीं करने को ना, किस जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं अच्छी नहीं ये बात, अपने अपने हिसाब से अपने को जिसको जैसा रहना है उसको उसे रहने देने को ना, बस आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ बस इतना ही हुआ कि ये हमको अगर हमारा पहनावा अच्छा लगता है तो हम वही पहनेंगे, आपको आपका अच्छा लगता है तो आप पहन सकते हैं, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं चाहिए, कोई भी हो नहीं होना चाहिए। जो लोग इस तरह से कर रहे हैं मुल्क में, मतलब हिंदू मुस्लिम में फ़र्क कर रहे हैं या एक तरह से फसाद पैदा करना चाहते, तो वो तो बहुत बुरी बात है, अच्छी नहीं है, बहुत बुरी बात है, अच्छी नहीं है। इन लोगों को मतलब क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ये देखो आप हम तो नहीं बोल सकते, मगर जो करते हैं वो उनके अच्छा ही नहीं है, ये तो कोई भी बोलेगा, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो सब अपने अपने हिसाब से रहने को ना, अच्छी से रहने को ना, बस बाकी क्या चाहते हैं? नहीं शाळेला जाऊ द्यायचं आहे, पण त्याला हे सांगता है कि हेड कवर नहीं करायचं। हेड कवर नहीं करायचं, नहीं करायचं, नहीं केलं पाहिजे ना, त्यांना परमिशन दी ना दिली नाही जात आहे, ते सांगतात की हेड कवर नाही करायचं आणि एग्जाम मध्ये बसायचं, असं एग्जाम मध्ये नाही बसायचं, शाळेत कॉलेज मध्ये एंट्री नाही देत आहे त्यांना, नाही द्यायला पाहिजे ना एंट्री। आप हे बांधलेलं आहे आपण, हे कसं आपण फील करतात? नाही कसं फील करतात हे असं बांधून? नाही चांगलं वाटतं, चांगलं हो चांगलं वाटतं। कशाला बांधलंय आपण? आपल्या आम्ही हे हिजाब बुरखा घालतोय, तुम्ही इथे लोकांना बघता तर आपल्याला काही आपत्ती होतं का? नाही काहीच नाही। अच्छा आपने ये कवर क्यों किया है? ये सेफ्टी के लिए किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छाई के लिए करते है हम सब लेडीज,
क्या फायदा होता है आपको इसे कवर करने? अब ये तो ऐसा सीजन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो हम सब इसके लिए लगाते हैं और बाहर धूप वगैरह, हम सब लेडीज का पर्सनल प्रॉब्लम है। चेहरे के लिए भी सेफ है, हाँ। ये लगाते हैं तो चेहरे पे थोड़ा धूप नहीं पड़ता है और चेहरा आपकी स्किन जो है वो सेफ रहती है, सेफ है। बॉडीगार्ड जैसा भी होता है? हाँ, बॉडीगार्ड जैसा भी होता है। और जैसे दुनियादारी अभी ऐसे लोग निकले है बुरे नजरिए, तो वो देखते तो बच के रहते है। अच्छा, सेफ है। ऐसे कवर करने के बाद जो बुरी नजरें होती है, जो छेड़खानी हम सुनते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है, तो उससे बचते हैं? बचते हैं, एक सेफ गार्ड एक तरह से। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां दबाव और जबरदस्ती पहनती है, या वो पहनकर वो कवर करके वो कॉलेज में ना आए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नया भी वो मुस्लिम लोग का है तो वो तो पहले से, आप जैसे हम जब से देख रहे, जब से पैदा हुए जब से देख रहे हो मुस्लिम लोग का, वही तो पहले से दिया वाला है ना आपको। हाँ, उनके मजहब में तो है वो पहनने का, हाँ उनको तो आजादी मिलना चाहिए। हमारा तो, हमको तो नहीं लगता। अभी कोरोना की वजह से हम मराठी लोग भी बांध यूज कर रहे हैं ना अभी इसको, तो तुम तो पहले से यूज करते हैं ना, तो ये यूज करने के बाद आपको कोई डिफिकल्टी हुई? नहीं नहीं, कुछ नहीं डिफिकल्टी। आपको कैसा खुशी महसूस हुई? हाँ, कम्फर्टेबल है। हाँ, सबको आजाद। जो लोग इस तरह से कंपलसरी करना चाहते हैं इसको कि आप मत पहनो, यहाँ पहनो वहाँ मत पहनो, उन लोगों के लिए कि आप क्या कहें? अब अभी ऐसा चल रहा है कि कॉलेज और स्कूल में ऐसे लड़कियों ने पहनना चाहिए मुस्लिम लड़कियों ने, तो ये सब गलत बात है, क्योंकि हमारे तुम्हारे मुस्लिम लोगों में वो पहनना ही जरूरी होता है, और वो उसकी कोई गलत बात नहीं, हम पहन सकते। तो ये शासन को जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी लोगों ने इसका ये सब करना चाहिए। जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? अभी जो लोग ऐसा कर रहे हैं अभी उनका, अभी उनको पता नहीं, अभी 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 तो इतने दिन से तो कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी कहाँ से प्रॉब्लम है ये सब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो अभी अभी इस पर क्या निर्णय लें पता नहीं, अभी हमको तो इतना मालूम नहीं, हम तो न्यूज नहीं देखते, हम तो जॉब में जाते हैं। शुक्रिया। ताई, ताई, ये जो कर्नाटक में जो इशू चल रहा है हेड कवर के ऊपर से, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये गलत है, बुरका नहीं रखना, सिर पे पल्लो नहीं रखना, हाँ। ये रखना हाँ, ये अच्छा है लेडीज के लिए। ना निकल गया है अभी मास्क बांधना, ये मास्क बांधने को लगा रहे, इससे क्या हो रहा है? सारे बाल बताते फिर रहे, क्या चेहरा बताते नहीं फिर ना, ये अच्छा है। ये ऐसे लोग है वो जिसका उसको लगाए हुआ है, अब तुम्हारे में है कि वो अपनी हिंदुस्तान की सभ्यता में भी है कि सर को जो ढाक कर रखते हैं हम लोग, देखते हैं मारवाड़ी पूरा ऐसा पल्लो रखते हैं, फिर यहाँ पर जो मुसलमान जो अपना सर बांधने का बोल रहे हैं, तो मुसलमान हम एक ही है, एक ही है, अलग नहीं है, काटो वाला तो खून एक ही निकलता, फिर ये इसमें क्या है? हमने भी झाकत अच्छा थे और आप लोगों ने भी झाकत अच्छा थे, और ये सभ्य अच्छी है, ये बात नहीं करनी को ना, बस जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनके लिए कोई वो दे दीजिए आपका एकदम। दिल से सम्मान बढ़ गया तुम्हारा, सम्मान बढ़ गया, ये बात बोलने वाले लोग जो है ना, नहीं भैया ये तुम्हारे ना हमारे में ये कोई गलत नहीं, ये यहाँ लगाया हिंदू मुसलमान, ये अपन नहीं, अपन काटो वाला ये खून सब है कि नहीं, पर ये लोग का क्या है, चुपके चुपके कुछ भी करते बैठे, अपने उनके बारे में उनको कोई धमकी दे दो, धमकी देने के बोले तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम, ये ऐसा नहीं होना कौन ना, जो लोग ऐसा करेंगे किसी के खिलाफ तो आप भी साथ खड़े रहेंगे ना? हाँ, साथ खड़े रहेंगे ना, साथ खड़े रहेंगे, वैसी कुछ बात नहीं है, हमारा हम तो घाटी के लोग है, हमको सब तरीके है, अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है, नीचे वालों ने अलग अलग कर दिए ना, नीचे वालों ने अलग अलग, फिर ऊपर से थोड़ी का अलग है, अलग है, एक ही है। क्या खरीदने आई भाजी आप? मैं स्कार्फ खरीदने आई। तो आप हिजाब पहन के सारे काम कर लेती हैं? आपकी एजुकेशन है, मार्केट में शॉपिंग? बिल्कुल, मैं अपने हर काम कर सकती हूँ हिजाब पहनकर, हिजाब में मैं अपने सारे काम अंजाम देना आसान समझती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने सालों से आप पहन रही हैं? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत सालों से हिजाब का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई जबरदस्ती किया था, प्रेशर था घर में के नहीं, फैमिली? कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही हूँ। कोई परेशानी आई है? कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे कर्नाटका मध्ये हे जे विद्यार्थी आहे त्यांना हेड कवर करण्यासाठी हे जो इश्यू चालला आहे त्याबरोबर आपल्याला काय म्हणायचं आहे? आपल्याला म्हणजे डोक्यावर ओढणी घेऊन यायचं, चांगले फुल कपडे घालून यायचं। आपली गव्हर्नमेंट त्याला असं सांगतायत की ते घालायचं नाही, त्याला बॅन करत आहे, स्कार्फ घालून यायचं नाही, घालून यास लागण, ते घातल्याशिवाय चांगलं दिसत नाही ना।
या सब पूर्ण उघड दिसत ना, मुलींचे खांदे दिसते, इकून हात दिसतो, इकून पाय दिसतो, मुलं छडी दे, लोकांना वाईट नजरीन बघते. नाही शाळेला जाऊ द्यायचंय, पण त्याला हे सांगताय की हेड कव्हर नाही करायचं. हेड कव्हर नाही करायचं, नाही करायचं, नाही केलं पाहिजे ना. त्यांना परमिशन दिली नाही जात आहे. ते सांगतायत की हेड कव्हर नाही करायचं आणि एक्झाम मध्ये बसायचं. असं एक्झाम मध्ये नाही बसायचं. शाळेत कॉलेजमध्ये एंट्री नाही देत आहे त्यांना. नाही द्यायला पाहिजे ना एंट्री. आपण हे बांधलेलं आहे, आपण हे कसं आपण फील करतात? नाही कसं फील करतात हे असं बांधून? नाही चांगलं वाटतं. चांगलं हो, चांगलं वाटतं. कशाला बांधलंय आपण? सेल्फ, आपल्या सेफसाठी बांधले. सेफ्टीसाठी बांधले. आता आम्ही हे हिजाब बुरखा घालतोय, तुम्ही इथे लोकांना बघता, तर आपल्याला काय आपत्ती होतं का? नाही, काहीच नाही. क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसने ये चीज पहनना तो पढ़ाई होंगी, वो चीज पहनना नहीं. जिसका जो पहनावा है, वो जो है, वो उसने से पहना. ऐसा किस पे कंपलसरी नहीं कर सकते तुम. अभी संविधान में भी ये दिया कि तुम्हारा मजहब जो है, जो वो करता, तुम्हारा मजहब जो तू आपको जो ड्रेस पहनना बोलता, जो जो आपका खाना है, जो आपका हर चीज, उसमें आप किसको कोई पाबंदी नहीं ला सकते, ना जबरदस्ती कर सकते. जो लोग जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो क्यों कर रहे होंगे? वो एक तो उनका कुछ तो भी एक फंडा होगा, या ये कोई स्टंट हुआ होगा, राजकारण जो चलता अभी उसका, उस पर कुछ ये होगा, उसके वजह से वो ऐसा कर रहे होंगे. लेकिन ये हासिल करने से कैसा हो रहा, अपने आप में आप जो भारत अपना पूरे हर मजहब से एक बने हुआ है, तो उसको अलग कैसा करना, ये उनका चालू है. लेकिन मैं ऐसी बोलती कि देखिए, अगर ऐसे लोग हमारे बाहर आएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो ये जो हिम्मत कर रहे हैं हिंदुस्तान को तोड़ने की और हिंदू मुस्लिम करने की, वो बिल्कुल चारों खाने चित हो जाएंगे, है ना? हाँ, ये तो बहुत ये बात सही, यानी तमाम लोगों को सपोर्ट. एक मिनट, मेरा बोलने का मतलब ये कि जब तुम एजुकेशन ले रहे ना, तो एजुकेशन के साथ तुम्हारा जो तुम्हारे मजहब आपको सिखाते वो भी करो. लेकिन जो इसके खिलाफ जा रहे, तो ये तुम पूरा एक हर एक मजहब का आदमी एकजुट होके उससे सामना करो. तुम ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये मांग है, ये महार, ये नहीं चलता. तुम जब एजुकेशन लेते ना, तो जब तुम्हारा वहाँ पे पूरी की पूरी तुम्हारी जो सिस्टम है ना, तो वो उसके हिसाब से चलना. ब्लड तो एक है, हर एक का ब्लड अलग थोड़ी है. रेड तो रेड ही ब्लड है, क्या हिंदू का ब्लड अलग है मुस्लिम का, ऐसा तो नहीं है ना. फिर तुम वो हिसाब से क्यों नहीं चलते? जब तुमको इतना बड़ा संविधान दिया गया, तो संविधान के हिसाब से तुम चलो ना. ये संविधान के हिसाब से सारे काम होना चाहिए. यस, एकदम. क्योंकि देखो, अभी तो अपने लेडीज, खास करके लेडीज अभी तो बाहर आ रहे, तुम फिर से उनको दबा रहे, तो ये नहीं चलेगा. क्या नाम है? मेरा उज्ज्वला सुरड़कर. उज्ज्वला, बहुत अच्छा आपने उज्ज्वला डाला है, मतलब हमारे इसके ऊपर जो काम चल रहे. तो मैं तो ये कहूँगी कि ये जिसने भी शुरू किया, ये जो भी है, उनको मेरी नम्र विनंती है कि अपना देश बहुत 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 अच्छा है. ये देश के जैसा देश नहीं है. यहाँ पे बहुत शांति है, और ये शांति हमेशा के लिए बरकरार करो, क्योंकि लेडीज आज बढ़ रही है. जब पहली महिला लेडीज सावित्रीबाई फुले के साथ में, जो मुस्लिम लेडीज फातिमा शेख ने आज अपने हर एक मुस्लिम लेडीज को पढ़ने की प्रेरणा दी. सावित्रीबाई ने जैसे इनको दी मराठा, अपने माड़ी समाज को, वैसे बाबा साहब ने बौद्ध समाज को, वैसे तुम जो है उसको और आगे बढ़ाओ, उसको मत दबा. और जब ये चिंगारी ज्यादा सिलक गई, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लड़की लेडीज ही आगे जाए, नहीं, उनके साथ हर एक लेडीज आगे आएंगी. ये तो मैं तो खुद आऊंगी, मेरे को बुलाए ना, मैं खुद आ जाऊँ. ये खवातीन की राय थी जो आप तमाम ने सुनी. इस्लाम के बारे में, इस्लाम पर्दे के बारे में क्या कहता है, इस बारे में जानने के लिए सूरह अहज़ाब और सूरह नूर का आप स्टडी करें. आपको मालूम होगा कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं और क्यों बुरख़ा पहनती हैं. ये तो बात जाहिर हो गई है कि ये बुरख़ा और पर्दा हम हमारी खुशी से करती हैं, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं. तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.